गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन ऑटो भोपाल पर। आज हमारे पास आ चुकी है वर्ना कार। जी हाँ दोस्तों, ह्यूंडई की वर्ना कार हमारे पास आ चुकी है और इसके अंदर जो है हम कार्डी का K4 एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हमारा कार्डी का K4 एम्बिएंट लाइट है और ये हम हमारी वर्ना कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 10 पीस वाला हमारा जो है ये हमारा रहता है जो कि हम हमारी वर्ना कार में लगाने वाले हैं। पहले तो हमने जो है इसकी अनबॉक्सिंग करी और अनबॉक्सिंग करने के बाद जो है हम अनरैप करने वाले हैं इसको। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की जो है हमें LEDs मिलती हैं जो कि हमारी लाइटें रहती हैं। मेन ये लाइटें रहती हैं और इसके अंदर जो है ये कुछ इस तरीके के इसका अडाप्टर रहते हैं और ये साथ ही में इसके अंदर जो है इसके बटन और कपलर वगैरह रहते हैं और एक ये बड़ा पीस मिल जाएगा हमें जो कि डैशबोर्ड का रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में इसके अंदर हमें एक टूल मिलता है जो कि फाइबर का रहता है और इसकी मदद से हम जो ये कार्डी की K4 एम्बिएंट लाइट लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है हमारे पैनल्स आपको दिखा दें तो यहाँ पर आपको पैनल्स दिखें तो कुछ इस तरीके के इसके पैनल्स रहते हैं और अभी जो है हम ऊपर इस जगह पर लगाएंगे, जैसे हमारी गाड़ी की K4 एम्बिएंट लाइट को इस जगह पर हम लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और अभी जो है इसके अंदर और भी वर्क चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सो चलिए इसका फिटमेंट दिखाते हैं आपको और बताते हैं आपको इसके अंदर के कैसा क्या हम इसके अंदर फिटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो है हमने पैनल निकाल लिया है और पैनल वो रखे हैं हमारे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो है हमारा जो पैनल है वो यहाँ पर आ चुका है और हमारी जो गाड़ी की K4 एम्बिएंट लाइट है वो हम कुछ इस जगह पर इसको इंस्टॉल कर देंगे। या तो ये इस जगह पर लगेगी या तो ये इस जगह पर लगेगी, वो अपने ऊपर है कि ये सेफ्टी अपन को इसके ऊपर लगाना है। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो अभी जो है हमने यहाँ से जो है पहले तो पैनल को इस साइड से खोल लिया है और कुछ इस तरीके से हम जो है इस जगह से जो है हमारी कार्डी की जो लाइट है वो लेना भाई वो इस जगह से हम जो है ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आ जाती है, ये आ गई भाई, तो ये हमारी लाइट आ गई है। वायर हम जो है पीछे के पीछे उसी के अंदर ले लेंगे और प्लान में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, इस जगह पर ना लगाते हुए हमने जो है इस जगह पर लगाया है, तो यहाँ पर जो है और भी बेहतरीन लगेगा ये। यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी फिटमेंट आ जाती है जो कि पूरा का पूरा प्रॉपर हमने इसके अंदर जो है फिट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है लगने के बाद जो है आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी कि यार ये एम्बिएंट लगाई है, ये पूरा का पूरा जो कि BMW में आता है ना उस जगह उस तरीके से जो है हमने जो है कार्डी K4 एम्बिएंट लाइट को जो है इसके अंदर फिट कर दिया है। तो ये जो है सब मॉड्यूल रहता है जो कि हमारा एक LED में कुछ इस तरीके से प्लग इन प्ले तरीके से लगता है और इस जगह पर जो वायर रहते हैं वो भी सॉकेट टू सॉकेट मेन जो इसका जो ब्रेन रहता है उसके अंदर जाकर लग जाते हैं। तो साथ ही में हम इसके अंदर जो है मोको की डैम्पिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोको का ब्रांड है और ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी और यहाँ पर हमने जो है इसकी डैम्पिंग कर दी है कुछ इस तरीके से, इसकी जो है हमने डैम्पिंग करी है। अब इसके अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर कार्डी की लाइट जो है यहाँ पर फिट कर दी है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी जो है हमारे रेयर में लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी रेयर में LED लग रही है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पैनल जो है यहाँ पर लग चुके हैं और बैक साइड के जो है अभी हमने लगाना रह गए हैं और डैम्पिंग तो हमने कर ही दी थी और अभी जो है डैशबोर्ड की हमारी जो है एम्बिएंट लग रही है। फाइनली हमारी कार के अंदर जो हमारी एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पर फिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी फिटमेंट आई है, कितनी बेहतरीन इसके अंदर लग रही है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने डैशबोर्ड पर भी दी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसका बटन, तो इस बटन से ही चेंज होती है हमारी LED लाइट। हाय 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 भाई, क्या मस्त बेहतरीन लग रही है यार ये। फिलहाल तो हमें मोड जो पहले लगा था वही अच्छा लग रहा था तो हम वही लगा लेंगे अभी फिलहाल के लिए, आगे है वो थोड़ा सा। हाय हाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी जो है फिटमेंट आती है और ये आप आपकी किसी भी कार में लगवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बटन का हमने आपको बताया कुछ इस तरीके से इस जगह पर बटन लगता है इसका। और अगर आपको भी आपकी किसी भी कार में कुछ इस तरीके से इसकी फिटमेंट कराना है तो कुछ नहीं करना है, आपको हमारा शॉप का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।